यही है कि फ्रेंड्स मतलब आप देख सकते हो 34 आवर्स में ग्रेटर नोएडा टू बद्रीनाथ और सब जगह रुकना और इवन वहाँ पे हमने मेला भी देखा वहाँ के हम रिचुअल सारे निभा के आ रहे हैं। ऋषभ जी मुझे उत्तराखंड का उत्तराखंड में मेला है गाजा गोचा भाई तीन बार हाथ लगा दिया स्वेगी भाई को, तीन बार करंट आया स्वेगी भाई में से, पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे रात। या मैं कहता रहूं यहाँ जो है अरे उसमें लगा लग न्यूट्रल लगा दिया। और हम निकल लिए हैं यहाँ से आगे की तरफ। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई पता नहीं, अब कहाँ जा रहे हैं पता नहीं भाई, कुछ भी हमारे हम किधर भी जा सकते हैं। तेज पावर कौन सी है? तो भाई रुके हैं अभी धोने के लिए इसको, यहाँ पर धोएंगे इसको। रोनी कोलमैन भी खड़ा है यहाँ। रुको रुको रुको, चलो चलो पीछे। हम वहां से आए हैं, वी आर प्लानिंग टू फ्लाई आवर ड्रोन। हमारा ड्रोन अब उड़ेगा और ये भाई अपने अलग धुन में है ना, कोई मतलब ना दिन दुनिया से, इन्हें ना कोई मतलब किसी से भैया, इन्हें ना कोई मतलब। ठंडी ठंडी पवन चले, छोटी छोटी गाय ड्रोन उड़ने की तैयारी। हाँ बोलो, मुझ पर बोला जा रहा कैसे सांस चढ़ रहा। हाँ यहाँ रख दे, अरे एक मिनट रुको, ऊपर तो आ रहा देख लियो। और अब ड्रोन निकल लिया है अपनी उड़ान पे। हमारे वो अब आगे से ले गए इधर से, मेरे हिसाब से अब इधर आ जाओ। चल जो हमारा ले रहा है लकी, हमारे मास्टर शॉट ले रहा है भाई। शहर की लेडीज जो घर पे दिखाती है ना कि हम काम नहीं करते, माँ जी को देखो कितना बड़ा पहाड़ चढ़ के अकेले आते। माँ जी कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दूर से, कितने किलोमीटर होगा? होगा 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर से लेके और वहाँ हमारी मम्मी आ रही हूँ, क्या हम थक गई थोड़े से बर्तन दो से ही। अच्छा माँ जी बाय, फोटो खिंचवा लूं। इधर गुजर नहीं है, इधर राजपूत पढ़ने लगती है। आप कहाँ चली जाती हो? जब बना रहे थे ना हम 6 महीना, अब वहाँ ठंडा लग गए, हम यहाँ पांडू के साथ रहते। पांडू के साथ हाँ, वो बता रहे थे हमको कि यहाँ पे जो वाले पहाड़ ने इनके ऊपर से भी घास उखाड़ दी यहाँ पे। हाँ, ये काट रखे वहाँ उधर देखो, वो इतने ऊपर से। हाँ, पूरे ऊपर से उधर पूरे जंगल के घास, जब बर्फ गिरते ना तो इधर उधर कहीं नहीं जाते। हाँ। घर में रहते। ओके अम्मा बाय। ठीक है अम्मा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये देखो अम्मा कितनी मेहनत करती है। वही मैं कह रहा था, अम्मा कै किलोमीटर चलती है वो? 3-4 किलोमीटर डेली। यार रुक जाओ, हमें भी दे दो एक आध यार। क्या जरूरत है, कभी बहुत दिन हो गए इंस्टा पे पोस्ट ही नहीं डाली। डिस्कशन चल रहा है फोटोओं का, डाले जा रहा हूँ बस। हम तो इन पहाड़ों ने मार लिए है, थोड़ी देर में एक पहाड़ गए जावे। 4 घंटे से खड़े हैं यहाँ, न भूख के न प्यास के।
नो वाटर नो फूड। और भाई एडिटिंग कर रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ पे रुके हैं खीरे और चने खाने के लिए। भैया चाट बना दो बढ़िया सी। अरे यार तुम क्या हो, करंट ही करंट आ रहा तुम में से। संतरे केले खीरे चने काबुल चने टमाटर प्याज खीरा मिर्च सब चीज। ये क्या भाई, ये नींबू है। नींबू और ये हमारे यहाँ के दिल्ली के। ये टमाटर है क्या, ये भी नींबू ही होगा। मैं तो समरू समझ रहा लक्की भाई चने और ढेड़ा। फिसलती तो घास काट पाती, वहाँ की घास की बात कर रहे हैं, वहाँ की घास काटी और तो न भी। वो जा रही देखो एक चने भिगो के रखे, उबले भी हैं दोनों। लक्की भाई क्या मांग रहे हैं बताइए ज़्यादा। गुरगुरे लक्की मांग रहे हैं गुरगुरे का। तू क्या यार गुरगुरे का, दारू पी ले सिगरेट पी ले नशा कर ले गंदा गंदा चरस पी ले। भाई हमारे साथ आए तो कुरकुरे मत खाओ भाई, को ढंग की दुकान पर रख दे मैं लूंगा भाई। इसे क्या लगे तो अच्छे कुरकुरे लगाए तुम डाल लो बाजी तू। ये ब्लॉग देख ब्लॉग ब्लॉग पर। अरे ज्यादा एक्सेस में नहीं खाना चाहिए वरना आंटी की तरह ज्यादा तो खाना इसके पास छोले। हमें यहाँ पे पता क्या आ रहा है, मजा। हमें यहाँ पे आ रहा है मजा। आए थे मैंने खट्टी टॉफी खाई है। पेट्रोल पंप देख लो दौड़ो और कितना बढ़िया। अरे देखो जा पूरा वहां तक जाम है। गाइस अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं बता दूं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है इस टाइम ये इंडिया का। 18,000 मीटर ऊपर है हम अर्थ से, तो यहाँ पे थोड़ी सांस ऊंची ऊंची आ रही है। इन भाई को तो दिक्कत हो गई है भाई ने इतनी दिक्कत हो गई है इनका सांस न जुड़ पाता। तुम्हें आ रहा है सांस, तुम्हें सांस आ रहा है भाई। ये आदमी बना किसी अलग मिट्टी का, ये यहाँ भी चश्मे नहीं उतार रहा पहाड़ों पे भी। अंधेरा हो रहा अंधेरा हो रहा और इसके चश्मे नहीं उतर रहे भाई के। आई साइड के किसकी के, एक लड़का रहता था उसकी आँख खराब है, उसकी आँख खराब ये चश्मे रखे थे मैं पहन ली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोहित बेटे ठंडे पानी से मुंह धो ले, सब दिखेगा। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है मैं मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो गाइस हमारी गाड़ी में सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज बची है और इन पहाड़ों पे 10-20 किलोमीटर चल ले जीरो पे रेंज हो गई है जीरो और यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है दूर दूर तक। अभी चलेंगे 12 किलोमीटर 22 किलोमीटर। अब हम अंदाजे से चला दें जैसे पेट्रोल पंप दिखेगा भरवाएंगे, दिख तो कहीं भी ना था वैसे। फिर से जाम
पहाड़ों में जम थानी इंडेवर वाले जो खड़ा है ना ये बन के प्रधान यहाँ इसने लगवा रखा है। ये मेंटल आदमी आ जाते हैं यहाँ। गाइस हमें एट लास्ट पेट्रोल पंप मिल ही गया। बहुत ढूंढा हमने, जाम वाम को टैकल किया हमने। थैंक गॉड यार, हम धक्का तो हम वैसे भी नहीं मारते, पेट्रोल लेके आते, पेट्रोल लेके आते हम। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे तेल डल रहा भाई। ये देखो देखो तेल देखो तुम। खड़ा हूँ आज भी वहीं, यहाँ पे होती है सीढ़ी नुमा खेती। उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा बजा रहे, बोचर मेला यहीं तो लगता है। आओ ना, कहाँ गए? बोचर मेले में जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गोचर मेले में। हेलो ब्रो। भैया मेला लग रहा था रास्ते पे जहाँ हम खाने के लिए रुके थे, तो हमने सोचा मेला ही देख ले। अरे कहाँ जाओगे, पैसे तो है मेरे पास। मेले में गोचर के मेले में तो पहली बार देखी है तू करेगी बला। बीरपाल भाई अभी 18 रोटी खा चुके हैं, शेरपाल भाई की 13वीं चल रही है अभी, इनकी वही है 3। निकलने हैं, बाल सेट करवाओगे क्या? हम गोचर मेला से निकलने हैं आगे की तरफ। जुड़े रहे सफर में। सफरनामा तेरी ओढ़त देर लगा रही क्यों मैं धूप में रुका। सतमोला लेने के लिए रुके हैं भाई अभी क्योंकि सतमोला की जरूरत थी अभी, काफी टाइम हो गया। दो पानी बोतल चाहिए और सतमोला है सामने, देखो देखिए सतमोला। और 4 कप चाय, 1, 2, 3 और चौथा मैं, और एक बंद मक्खन, आइसक्रीम। ये टॉयलेट है इधर कहीं? हम पीछे इधर से जाइए, एक बड़ा मैदान है, खुला मैदान है, खिलाड़ी मैदान में। सो गाइस हम ऋषिकेश पहुंच के हमने अभी चाय पिए, बन खाए, वापस घर वापसी बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छी स्पीड से आए हैं, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग और गाने का मजा लुक तो उठा सकते हैं भाई। सिद्धू मूसे आड़ा दिल दानी माड़ा पूरे सफर में सोते ही आए, सोते ही भाई।
आप देख सकते हैं हम दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं ली है, इतना लंबा सफ़र है। कल हम 3 बजे निकले ग्रेटर नोएडा से और अब आप देख सकते हैं हो सकता है 2 बजे घर पहुंच जाए। मतलब मैं तो होटल में भी नहीं सोया था कल रात। 35 आवर्स में हम बद्रीनाथ के दर्शन करिए, दर्शन कराए, वहाँ पे रेस्ट भी रेस्ट कर लिया थोड़ा बहुत और घर ऋषिकेश घूम लिए, सब कुछ कर लिया, मनसा घूम लिए और एक एक पल के लिए आँख नहीं झपकाई। एक बहुत ही हम अभी घर जाके आँख वही जाके सोएंगे, सोने थोड़ी ना आए, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है यार, गाड़ी दूर घर से आए तो एंजॉय करना है। सब सोए, सब सोए, कपिल भाई 3 घंटे सो दे, ये तो खैर जाते वक्त ही सोए थे 8 घंटे तो अभी ये सोते सोते अभी उठाए हैं कि भाई गाड़ी चला लो थोड़ी, तो थोड़ा हमारी भी कमर थोड़ा हम भी इंसान है यार, थोड़ा आप समझ सकते हैं थोड़ा कमर अभी ये लगा लो। जो सीमट से यहाँ तक भाई चला के लाया, मैं आगे था क्योंकि भाई मैं देखने के लिए कि दोनों सो रहे थे पीछे, हम व्लॉग की एक वीडियो नहीं बना पाए। अब मन की भाई यार व्लॉग भी कम्प्लीट करना है तो तुम चला लो थोड़ा सा, इस पे भी इनके नखरे हो रहे हैं कि भाई मेरे पैर में बाइट आ रहा है। इनको हरिद्वार पे दी है गाड़ी क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है ना, सीधा रास्ता है पहाड़ों पे तो नहीं चल पाएगी इनसे, तो देखो हैवी ड्राइवर ही चल पाएगा पहाड़ों पे, पहाड़ों पे तो हम जैसे ही कोई चाहिए भाई। तो यही है कि फ्रेंड्स मतलब आप देख सकते हो 34 आवर्स में ग्रेटर नोएडा टू बद्रीनाथ कम बैक और सब जगह रुकना, और इवन वहाँ पे हमने मेला भी देखा, मेला भी देखा, वहाँ के हम रिचुअल्स सारे निभा के आ रहे हैं। ऋषभ जी मुझे उत्तराखंड का, उत्तराखंड में मेला है गाजा उसका असली नाम है, गोचा जिले में वो हो रहा है, गोचर आपको आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप नींद में आपको पता नहीं चल रही, हम सही बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहा। बस अब कीप ट्यून, बस ये है मेरा कहना तो ये है, सफर पे आ रहे हो तो सो मत एंजॉय करो, देखो घर से लिकड़े तो किसी चीज से लिकड़े, ऐसे सोने को थोड़ी लिकड़े, सोने को बहुत टाइम मेरे भाई। ये देखिए ये कोई है, कोई मतलब है इन चीजों का, सो रहे ठीक है भाई, क्या आगे कर रहे देखते हैं कुछ होता है सफर में, अभी तो ये दोबारा भी सोएंगे, फिर आगे जाना पड़ेगा, अभी है हम आपके साथ, ठीक है भाई बाय। सो गाइस हम यहाँ रुके हैं लास्ट हल्की सी रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर चलते हैं घर की तरफ ब्लॉग का एंड करते हुए। सफरनामा।